नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है मुंब्रा के शिमला पार्क तालाब। मुंब्रा में पानी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी को लेकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, मुंब्रा वासी हैं, वो पानी की समस्या को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। लेकिन जल विभाग की जो लापरवाही है, यहाँ पर जो है साफ दिख रही है, आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पर जो एक पाइप लाइन गई हुई है, यहाँ पर जो पानी का जो लीकेज है, हजारों लीटर पानी यहाँ से जो है बर्बाद होता है। यहाँ पर इस तरह से जो है जल विभाग की लापरवाही है कि जो यहाँ पर ये पाइप फूटा हुआ है, उसको जो है गोनी रखकर जो इसको बंद किया गया है ताकि वो पानी जो है निकल ना सके। हम आपको दिखाते हैं ये गोनी हटाकर कि पानी का जो है प्रेशर कितना है। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पाइपलाइन जो है 3 से 4 जगह से पूरा ये पाइपलाइन लीकेज है, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की समस्या होती है, यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या है, वो अगर इसी तरह से ये पानी का लीकेज बढ़ गया और भी तेज हो गया तो यहाँ पर जो जल भराव की समस्या आ सकती है और ट्रैफिक भी काफ़ी जाम हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो है मुंब्रा के लोगों ने जल विभाग के प्रभाग समिति पर जो है पानी को लेकर अनशन किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जल विभाग की नींद नहीं खुल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं हम किस तरह से पानी का प्रेशर है। हालाँकि अगर ये प्रेशर और ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर जो है पानी का जो है काफ़ी जल भराव हो जाएगा और ट्रैफिक भी, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, जो जल भराव की वजह से और भी ट्रैफिक की समस्या हो सकती है। यहाँ पर जो है पानी का लीकेज, इससे साफ मालूम पड़ता है कि जल विभाग की जो है ये सबसे बड़ी लापरवाही है। किस तरह से यहाँ आप देख लोगों का आना जाना होता है, यहाँ पर अभी थोड़ा जल भराव हुआ है और ज़्यादा भी जल भराव हो सकता है। यहाँ पर जल विभाग की यह सबसे बड़ी लापरवाही है। हालांकि यहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक हैं, उनको अगर इस बारे में जानकारी हो तो वो भी जो है जल विभाग में इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब तक हमें जो जानकारी मिली है वो ये कि 2 महीने से तकरीबन ये पाइपलाइन जो है लीकेज है, यहाँ से हजारों लीटर पानी जो है यहाँ पर सड़कों पर बह रहा है। लेकिन जल विभाग के लोग जो है इसकी मरम्मत कार्य के लिए यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने इसका मरम्मत नहीं किया और देखकर इसके ऊपर अपनी नाकामयाबी जो है ढकने के लिए उन्होंने इस पाइप लाइन के ऊपर जो है गोनी रख दी ताकि पानी का प्रेशर जो है गोनी से निकलकर इसी रोड पर ही निकलता रहे, ऊपर की साइड ना दिखाई दे। हालांकि ये जो है पाइपलाइन अभी थोड़ा प्रेशर इसका कम है, अगर ज़्यादा हुआ तो और भी समस्या बढ़ सकती है, इस एरिया में जल भराव की समस्या आ सकती है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।